अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस हमारा जो दूसरा हिस्सा है यानी आइडेंटिफिकेशन का, पहला जो इंट्रोडक्शन है, दूसरा क्या है आइडेंटिफिकेशन यानी शिनाख्त, शिनाख्त इसके ताल्लुक से हम लोग पढ़ेंगे। ये बड़ा चैप्टर है और इसमें जो डाटा दिया है डाटा ऑफ आइडेंटिफिकेशन, उसमें जैसे आइडेंटिफिकेशन बाई रेस हुआ, आइडेंटिफिकेशन बाई एज हुआ, आइडेंटिफिकेशन बाई रिलीजन हुआ, है ना वगैरह, ये सब जो है हम लोग इसको सब लोग पढ़ेंगे। बड़ा चैप्टर है तो इसको हम लोग जो है पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री या पार्ट फोर तक जा सकता है। तो आप लोग जो है पार्ट के हिसाब से देखिएगा कि पार्ट जो मैं लोगों पे लिख दूंगा, ठीक है ना, तो वहाँ से आप पता कर लीजिएगा कि हाँ ये पार्ट कौन सा है और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना नोट बनाइएगा। तो आई फ्रेंड, हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिटी हर शख्स की है ना, बहुत ही मतलब कुदरत ने, ऊपर वाले ने एक तबई खसूसियात अता की है ना, बाई नेचर इंसान को अपने अपने इसको हर इंसान की अपनी एक खसूसियात होती है। इसी खसूसियात के लिहाज से किसी शख्स को पहचाना जाता है कि आया वो मुर्दा है या वो जिंदा है, है ना। तिब्बे कानून में शिनाख्त कहलाता है, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है ना, कि आदमी जैसे एक पर्सन है, एक शख्स है, वो क्या है कि बाई नेचर जो है वो पैदा किया है, पैदा हुआ है, वो मतलब दाहिने हाथ से ना काम करके वो बाएं हाथ से काम करता है, ठीक है ना। या कोई ऐसा शख्स है जो कि मतलब पैदाइशी तौर से उसको कहीं पर कुछ मार्क्स हैं, कोई निशान है उसके जिस्म में, ठीक है ना, तो क्या है उसका क्या है एक मतलब ये कि अपने बाई नेचर वो क्या हुआ, वो इसी मार्क्स को लेकर के या उन चीज़ों को लेकर वो पैदा हुआ है, ठीक है ना। तो यानी उसकी वो एक तबीयत खसूसियत हो गई, उसके हिसाब से वो पैदा। तो अब एक इंसान है, अगर वो जिंदा है और शायद जिस कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसके बाद ताल्लुक से मतलब आप गुफ्तगू करेंगे, तो अभी ये हम जान लेते हैं, है ना, कि क्या है कि हर शख्स की एक तबई खसूसियात होती है और उसी खसूसियात की से है ना इस शख्स को मुर्दा है और या जिंदा है उसी जैसे से पहचाना जाता है। तिब्बे कानून में इसी को शिनाख्त कहा जाता है। अब कह रहे हैं कि क्लासीफिकेशन, कह रहे हैं क्लासीफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जिसकी जो है दो तरह से इसकी क्लासीफिकेशन की गई है। एक तो करेंगे कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन और दूसरा है, या इसी को एब्सोल्यूट आइडेंटिटी कहते हैं, दूसरा है इनकम्प्लीट आइडेंटिफिकेशन। तो कंप्लीट में क्या होता है, इसमें जो है किसी शख्स की मुकम्मल शिनाख्त, यानी उसकी कौमियत, ठीक है, उसकी उम्र, जिंस, मज़हब, कद, काठी, है ना, स्ट्रक्चर और जिस्मानी हालत की शिनाख्त की जाती है। और अच्छा, पार्शियल आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, जिसके अंदर उसके कुछ पहलुओं को, है ना, जैसे उसकी कौमियत जान ली गई, उसके जिंस जान लिया गया, या उसकी उसी उम्र कुछ पहलू को ही रखा गया, है ना, और ज़्यादा उस पर हर चीज़ पे उसका डिटेल नहीं जानी गई, ठीक है ना। इसी को ही क्या कहते हैं, इसको पार्शियल आइडेंटिफिकेशन कहेंगे। अब ये कह रहे हैं कि ये हो गया, अब ये कह रहे हैं इसका मकसद क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। ये इसलिए होता है, देखिए स्टूडेंट्स, की जब इंसान है ना वो मुर्दा हो जाए, मर जाए, ठीक, किसी शख्स या मुर्दे की शिनाख्त का मसला कहाँ कहाँ पेश आता है, दीवानी यानी सिविल केसेस में और फौजदारी यानी कि क्रिमिनल केसेस, दोनों अदालतों में दरपेश होता है। होता क्या है कि जैसे जिंदा शख्स है कोई, ठीक है ना, उसने अपना बीमा करा रखा है, जायदाद की हक की मिल्कियत का कोई मामला आ गया, पेंशन है, शादी है, गुमशुदगी है, मुतनाज़ा जिनसी मामलात में पैदा हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि कोई शख्स जिंदा है, जैसे मिसाल समझिए कि उसने क्या की बीमा पॉलिसी ले रखी है, अब उसकी जगह पे कोई उसका भाई था या कोई ख़ानदान का और था, वो जा कर के क्या करे, वो क्लेम कर दे कि भाई ये मेरा बीमा है, है ना, ये मुझको दिया जाए। तो अब जब उसके भाई तो जो रिश्तेदार जो भाई हैं या जो उसके आसपास के लोग हैं, उन्होंने जिन्होंने ये क्या उसके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की, तो क्या है कि वो जब बीमा कंपनी के जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, तहकीक करेंगे, ठीक है ना, अगर वो क्लेम कर दिया कि नहीं ये तो असल तो मेरे नाम का बीमा था, उनको आपने कैसे दे दिया, ठीक है। या पेंशन के मामले बहुत सारे होते हैं, क्या लोग कि पेंशन मिलती रहती है, मालूम है कि वो उनकी उम्र दराज भी हो गई, वो इंतकाल भी कर गए, लेकिन उसके बावजूद दूसरा कोई वहाँ पे बन करके हाँ अभी वो तक जिंदा है और उसके जरिए से क्या हुआ पेंशन लेते रहते हैं, तो अब किसी ने क्लेम कर दिया, ठीक है ना, तो उस पर क्या होगा, तहकीक होगी, जाँच होगी, तो वो क्या होगा, अब जो है अगर ये सिविल केसेस में है ये सब पेंशन बीमा वगैरह जायदाद के हक मिल गया तो उसके अकॉर्डिंग डील करेगी अदालत, ठीक है ना। अब अगर फौजदारी होगा तो कोई मुकदमा हो गया, है ना, कि जैसे कोई कोई फौजी था वो क्या हो गया, लापता हो गया, कहीं और छुप गया, ठीक है ना, वो फौज से भाग गया, या कोई मुजरिम था उसने कोई जुर्म किया वो भी भाग गया, और उसके बाद वो कहीं छुप करके अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, ठीक है ना, पहले मान लीजिए उसके पास अच्छे बाल थे या दाढ़ी रखा हुआ था, बाद में फिर क्या किया उसने बाल को भी जो है कम कर लिया, या कोई विग लगा लिया, या उसने दाढ़ी जो है थी उसने ख़त्म कर ली, या कोई और चीज़ था उसका, है ना, उसने अपने इसी शक्ल तब्दील कर ली, जैसे आजकल आप सुनते होंगे प्लास्टिक सर्जरी वगैरह क्या होती है, उसमें क्या होता है कि अगर इंसान को जो है वो
तब्दील किया जाता है ना, उनके चेहरे को बिल्कुल जो है उसको उसी का पार्ट बना करके है ना, और उसको उसको उस चेहरे पर उसको लगा दिया दूसरे इंसान को। जैसे आपने बहुत सारी फिल्मों में, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड की फिल्मों में, ये सब चीज़ दिखाया था कैसे आदमी चेहरा बदल लेता है, ठीक है ना, बदल दिया था। तो अब इस सब चीज़ को मद्देनजर से कोई मामला आ गया तो अब इसको हल करने के लिए इसको है ना कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए कि हकीकत कौन था, है ना, कौन है ये हकीकत असल मुजरिम है कौन, ठीक है ना, किसने मतलब जो है, और फौजी जो था उसने अपना भेला अपना अपना भेस चेंज कर लिया है तो रियल में कौन है, तो ये सब जानने के लिए क्या है, इसीलिए आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो यही इसका क्या है मकसद है। अब तो ये तो जिंदा शख्स के मकसद के बारे में, अब कोई मुर्दा शख्स है ठीक है ना, और उसको जो है क्या उसके लिए कैसे करेंगे, यानी कि उसकी शनाख्त इस तरह करनी पड़ती है जैसे आतिशदगी, यानी कहीं पर फायर हुआ, कहीं पर जो है आग लग गई, ठीक है ना, उसमें क्या हुआ आदमी जल गया, या धमाका हुआ हादसा में मरने वाले की इलाज की शनाख्त करने के लिए, यानी कि मालूम नहीं है कि वो किसी जगह आदमी गुजर रहा था और कहीं पर हादसा हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट ही हो गया उसका, या मान लीजिए कि जो है धमाका हो गया उसके जद में आ गया वो, अब उसके कुछ पार्ट मिले, कुछ पार्ट उसके चिथड़े उड़ गए, ठीक है ना, अब उसके जरिए से मालूम किया जाएगा हाँ ये किस कौम का था, किस नस्ल से है, और कहाँ इसके अज़ा क़रीब है ना, कैसे DNA जांच वगैरह सारी चीज़ें वो इसी के कैटेगरी में, तब मालूम हो जाएगा कहाँ कि वो मुर्दा शख्स किस नस्ल का किस कौम का था। तो स्टूडेंट्स ये थी जो है, या जैसे सड़कों रेलवे डिब्बों में पाई जाने वाली लवारिश लाश वगैरह के तालुक से भी ये लाश किसकी है उसके जरिए से आइडेंटिफिकेशन करने शनाख्त की जाएगी, है ना, ये मालूम करने की कोशिश जाएगी किस जगह रहने वाला है, कहाँ का है, क्या नाम हो सकता है इसका, और यह मुतल्लिका पुलिस थाने में जो है इसको इन्फॉर्म कराया जाएगा कि वहाँ पर लवारिश लाश पड़ी है, देखिए आपके थाने में कहीं से कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट आई है कि नहीं, अगर आई है तो फिर उसको क्या है कि फर्दर तहकीक करते हैं, उसके जो अज़ा क़रीब होते हैं उनको बुलाते हैं और दिखाते हैं भाई हम भी ये बॉडी है और इसको आप लोग पहचानिए कि आपके अज़ा क़रीब में से या किसी और की लवारिश है। तो इस तरह से क्या है कि ये सिलसिला चलता रहता है। एक यूजेज ऑफ, अब ये बात करते हैं इसका यूजेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। द आइडेंटिफिकेशन इज नेसेसरी इन द केसेस ऑफ, किसमें है, नंबर एक द लाइव पर्सन, अभी जिसकी मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है ना, जिसकी तशरीह कर दिया वही उसका मकसद भी हो गया और यही आपका जो है कि जगह पर इस्तेमाल होता है, बात एक ही हो गई, डेड पर्सन हुआ, डिकम्पोज बॉडी हो गई, है ना, स्केलेटन रिमेंस, अब इसके जरिए से आपने इसको चीज़ें समझ लीजिएगा। और फिर क्या डाटा, किस क्या क्या डाटा हो गया, है ना, किसके जरिए से मालूम करेंगे कि हाँ ये जो है मतलब जो है कि किसी इंसान के हम आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें डाटा इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें जो चीज़ बता रहे हैं, है ना, कि पहला क्या है, नंबर एक रेस, यानी कि या नेशनलिटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी किस नस्ल का है, किस कौम का है वो, है ना, उसके जरिए से जो मालूम करेंगे तो वो रेस्क में आएगा, या किस जिन्स का है, मेल था फीमेल थी, है ना, इसके जरिए, या एज बच्चा था बूढ़ा था जवान था, है ना, उसको इसके जरिए से मालूम किया जाएगा कि इसकी एज क्या रही होगी, या एंथ्रोपोमेट्रिक, है ना, मेजरमेंट जैसे हाइट वेट लाभ लेंगे उसका चेक किया जाएगा, उसके बाद से मालूम किया जाएगा कि ये मतलब क्या इसकी वो रही होगी, है ना, एज क्या रही होगी, उम्र क्या रही होगी, या बिल्ड या स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, है ना, इसका क्या था, इसको भी कॉम्प्लेक्शन यानी कि गोरा था काला था, ये सब चीज़ें, है ना, इसके जरिए सारी चीज़ें इसके अंदर मालूम होंगी, या एक्वायर्ड और कंजेनाइटल पिकोटेस, यानी कि कोई पैदाइशी कोई इस तरह से क्या उसका, मान लीजिए कोई अपंग पैदा हुआ, कोई हाथ लूला पैदा हुआ, कोई लंगड़ा पैदा हुआ, या किसी के कान नहीं थे, है ना, या किसी की छः उंगली थी, तो ये सब चीज़ें क्या है वो सब उसी एक हो जाए। द फीचर्स ऑफ हेयर्स, फिर उसके बाद हाल क्या, घूंघरेले था बाल थे या कि स्ट्रेट बाल थे, या उसकी आँख क्या थी, भूरी टाइप की थी या कि ब्लैक आई थी, है ना, या गेट कैसे था, उसकी चाल कैसी थी, तो ये सब चीज़ें, उसकी हाइड्राइटी कैसी थी, ये सब चीज़ें से क्या है कि मालूम किया जाता है ना डाटा के जरिए से एक इंसान की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी उसकी क्या हो सकती है। या इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे फिंगरप्रिंट है, अब फिंगरप्रिंट जब के ताल्लुक हम और आगे पढ़ेंगे जिसके उसकी तब उसके हम डिटेल जानेंगे, है ना, कि कैसे मतलब जो है फिंगरप्रिंट जो है एक इंसान दूसरे इंसान से कैसे अलग हो जाती है, ठीक है ना, जबकि एक ही चाहे माँ बाप के बच्चे हों उनकी भी क्या होगी फिंगरप्रिंट अगर देखा जाएगा, ठीक है ना, चेहरे शक्ल तो अलग होती है, अगर फिंगरप्रिंट भी देखा जाए, है ना, या फुटप्रिंट देखा जाए तो क्या होगा सब कुछ अलग होता है, ये भी क्या है कुदरत का एक करिश्मा है। अब फ्रेंड हम लोग बात करते हैं, अब जैसे मैंने सारा डाटा बताया आपको, अब इसी डाटा के अकॉर्डिंग जो है ना हम लोग सभी चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी रेस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिलीजन, आज दो ही चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे, रेस को, है ना, या नेशनलिटी को या रिलीजन, इन दोनों को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हाई हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसको जानने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि द रेस आर आइडेंटिफाइज एज द बेसिस ऑफ क्लोथ
कपड़े से जान सकते हैं, है ना। जैसे कोई मुसलमान है दाई के बाद कुर्ता पजामा वगैरह पहनता है, कोई अंग्रेज है तो वो पैंट शर्ट पहनता है, या कोई हिंदूज है ना तो वो क्या है कि वो अपना उसकी धोती वगैरह इस तरह पहनी है। कोई फीमेल अगर मुस्लिम जो है तो वो क्या करती है, वो मतलब उसका जो कपड़ा होता है वो बुरका हुआ है, नकाब लगाए हुए होगी, है ना। अगर मुस्लिम होंगे तो साड़ी वगैरह, तो इस सब चीज़ें उसमें आ जाएगी। ऐसी क्लॉथ का भी है ना, ये क्लॉथ के जरिए से मालूम किया था कि ट्रेडिशन कौन कौन कलाते से पड़ता है। इसको आप लोग बस जस्ट खाली इसको रीड करते जाइए, आपको सारी चीज़ समझ में आई, बहुत मुश्किल नहीं है। क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ को तस्ची करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे हेयर्स के, हेयर्स के भी देख लीजिएगा, निग्रॉइड्स जो होते हैं, जो ब्लैक पर्सन होते हैं, उनके क्या होते हैं, कर्ली होते हैं ना, स्ट्रेट नहीं होते हैं ना, स्ट्रेट या कर्ली होते हैं, कभी कभी स्ट्रेट भी होते हैं। द हेयर्स ऑफ कस्क्यूटियस जो होते हैं ना, यूरोपियंस जो होते हैं या यूरोपियन जो होते हैं, उनके क्या होते हैं, हेयर होते हैं ग्रेइश कलर के होते हैं, थिन होते हैं, फाइन होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। ये हो गया। अब इसी आई का देखिए, द कलर ऑफ आईज इन द इंडियंस आर ब्लैक डार्क ब्राउन होती है, सिमिलरली द कलर ऑफ आई इन द यूरोपियंस आर ब्लैकिश आर ग्रेइश। तो इस क्या है, लिप्स। अब लिप्स के निग्रोस की लिप्स देखिए बहुत मोटे मोटे होते हैं, तो अभी अगर कोई लिप्स देख के मालूम किया जाता है कि हाँ ये निग्रो का नस्ल का होगा। अभी कह रहे हैं कि इंडेक्स यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस, इंडेक्सेस यानी कि अब स्ट्रक्चर पे अगर उस बात करें कि मतलब उसका इंडेक्स निकाल करके, है ना, ये मालूम करने की कोशिश किया जाए कि ये किस मतलब जो है कौम से ताल्लुक रखता है। जैसे मिसाल तौर पर जो हबशी कौम के लोग होते हैं, जो नेग्रोज होते हैं, तो क्या उनका बॉडी का जो बिल्ट होता है या उनका उसका जो है स्कल जो होता है ना, वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, बिलमुकाबले कि हिंदुस्तानी या और जो दूसरे मुल्कों के मुताबिक वो क्या होता है, सब बड़ा होता है। तो इसे कहने की इस तरह कैसे मालूम करेंगे, तो इसका एक फार्मूला ये है, मैक्सिमम ब्रीथ ऑफ द स्कल वो देखा जाएगा, फिर अपन मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्कल इंटू 100 से कहकर डिवाइड करेंगे तो उसमें उसका निकल के आ जाएगा। तो उसका एक डाटा, इसका डिवाइड करने का फार्मूला दिया है, और उसके बाद फिर जो इसका एक डाटा निकाला गया है वो ये है कि नेग्रोइड्स में कितना होता है ना, स्फेरिक इंडेक्स कितना आ जाएगा, 70-75 होता है, यूरोपियन में 70-80% होता है, और क्या नेग्रोइड्स में जो है एबव 80 होता है, यानी ये क्या है, स्फेरिक इंडेक्स है। अब हम बात करते हैं इसके नेजल इंडेक्स की, नोज के भी देखे होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं कि जहाँ रहने वाले ले उनके नोज़ क्या होती है, लंबी होती है, यानी कि नोजल बैंक वगैरह क्या होती है, लंबी होती है, तो उससे मालूम हो जाएगी किस जगह के रहने वाले हैं। खासतौर से देखिए हम अपने हिंदुस्तान में, जैसे कश्मीरी वगैरह ताल्लुक से कहा जाता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ की जो कौम होती है, उनके नोज़ वगैरह क्या होती है, थोड़ा उनका है ना वो लंबा होता है ना, या और हिंदुस्तान के जो लोग रहने वाले इलाके या रीजन के इलाके के लोग हैं उनके बिलमुकाबिल। तो इसमें भी कैसे मालूम किया जाएगा, वही है, मैक्सिमम विड्थ ऑफ द नेजल एपर्चर अपन मैक्सिमम हाइट ऑफ द नेजल एपर्चर इनटू 100 से डिवाइड करने के बाद फिर जो डाटा निकल के आएगा, वो निग्रोइड है तो उसका कितना हो जाएगा 45, और यूरोपियंस है उसका 50, और मंगोलियाइड्स है और उसका 50, ये उसका हाइट है। अब हाइट इंडेक्स, ठीक है ना, किसका, स्कल का हाइट, क्या हाइट ऑफ द स्कल या मैक्सी और अपन द मैक्सिमम इंट्रापोस्टियल लेंथ ऑफ द स्कल इनटू 100। अगर इसके जरिए से जो डाटा निकल के आएगा वो क्या था, नेग्रोइड्स की कितना होता है हाइट स्कल की, 72 होगी, ठीक है ना, बहुत लंबे चौड़े होते हैं वो लोग, यूरोपियंस भी ऐसे ही होते हैं, मंगोलॉइड्स जो होते हैं उनको भी क्या है कि भले छोटे होते हैं लेकिन जो है उनके भी जो स्कल का हाइट होगी वो भी क्या उसमें भी 75 तक जाती है वो। और फिर कह रहे कि अब हम लोग किसके पढ़ चुके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेस हमारा हो गया, है ना, जिसके जरिए से हमने क्या किया कि इसमें हमने इसमें पढ़ लिया कि इसका लिबास है ना, कि जैसे जैसे लिबास के ताल्लुक पढ़ा हमने कि उन कपड़े हिंदू मर्द धोती पहन है ना, हिंदू जो मर्द होते हैं वो धोती पहनते हैं, औरतें उनकी साड़ी पहनती है, जैसे मुसलमान मर्द पैजामा, औरतें शलवार पंजा, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर आएँ। कम्प्लेक्शन में जैसे नेग्रो है, अफ्रीकी या यूरोपीय अमरीकी सफ़ेद है ना, तो हिंदुस्तानी गेहुआ रंग के होते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, हम लोग उसके बारे में पढ़ चुका है, बाल के बारे में पढ़ लिया है ना, किसी के बाल घुनाले भी होते हैं, किसी के स्ट्रेट होते हैं, और आँखें किसी की नीलगुनी होती हैं या किसी ब्लैकिश होती हैं, या होंठ देखिए, या अफ्रीका बाशिंदे के जो होते हैं मोट होते हैं, उनके होंठ मोटे होते हैं और कदरे उल्टे हुए भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ क्या था, किसके जरिए से मालूम किया था कि वहाँ किस नस्ल का है, किस कौम का है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होगा। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि मजहब के जरिए से कैसे मालूम करेंगे कि किस मजहब का है। मुस्लिम में आप जानते हैं कि हम लोग क्या हैं, सुन्नत इब्राहिमी है ना अदा की जाती है, तो इसे मालूम हो जाता है कि हाँ मुसलमान जो है, ठीक है, ये मुसलमान है। गैर मुस्लिम में सुन्नत इब्राहिमी नहीं होती है, ऐसे ही ईसाई में उनके अंदर भी सुन्नत मतलब वो इब्राहिमी ही वो उसको भी दूसरे पैटर्न से करते हैं, लेकिन जो है वो भी अपने अकीदे के हिसाब से वो भी जो है इसके सर्कमसीजन वो भी लोग भी करते हैं, ठीक है ना, यहूद भी करते हैं। तो इस तरह से मालूम है कि इस नस्ल का है। तो ये हो गया। अब हम की बात करें तो जैसे हिंदू मेल्स है ना, हम बात करें कि हम डॉक्टर क्वेश्चन हो गया, हाँ रेस के ताल्लुक से हम लोग बात कर रहे हैं ना, और ये जैसे हम लोग इंडिविजुअल मुस्लिम है ना,
पॉइंट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन इज द है ना सर्कमसीजन एंड कलोस्टीज एट द लेफ्ट लेटरल मॉलिक्यूल्स का निशान होता है, जो टोपी वगैरह नमाज में पढ़ते हैं आदमी है ना, तो उनका निशान मिलता है। अब ऐसे ही जो है अगर द हिंदू मेल्स हैं उनके बारे में क्या होता है, द टफ ऑफ द हेयर्स ऑन द हेड, खास वो चुंगी वगैरह जो आप देखेंगे ना, बहुत सारे पंडित वगैरह होते हैं जो पीछे क्या होते हैं वो चुंगी वगैरह निकालते हैं, वो अपनी कटाक रखते हैं, बाल पूरे कटवाते हैं तो वहाँ पे जो है ना उससे छोड़ रखते हैं। तो अगर ये चीज़ होगा उसको जिसमें मिल रही है तो ये बाल हो जाएगा कि ये जो है इस मज़हब का होगा या गैर मुस्लिम मज़हब का या हिंदुस्तान मज़हब का। तो यही था है ना सैंडल पेस्ट वगैरह, सैंडल जो है देखते हैं जो मठ वगैरह में जो पंडित होते हैं वो क्या करते हैं सैंडल पहनते हैं ना, तो वो खड़ा वगैरह टाइप के जो पहनते हैं, और एक दूसरे जो है मुसलमान वगैरह कौम है तो सिंपल सा अपनी चप्पल पहनते हैं, तो इसके ज़रिए से भी मालूम किया जाता है। ठीक है, या मान लिया कि कान की जो है लमहे क्या है तो मुसलमानों में नहीं होती है ना, उनके अंदर सुराख नहीं करते, जबकि हिंदू मर्द की कान छेदी हुई होती हैं, बहुत सारे उनको लोग करते हैं, वो उनका अपना मज़हब है। और जैसे मुसलमान औरतों में क्या है कि कोई टैटू मार्क वगैरह नहीं होता, गैर मुस्लिम में भी होती है कि वो लोग अपने मार्क रखते हैं और उसके जरिए, या गैर मुस्लिम जो औरतें होते हैं उनकी चूड़ियाँ और मंगलसूत्र वगैरह पहनती हैं, जबकि मुस्लिम औरतें जो है अपना ऐसा कम करती हैं, चूड़ियाँ भले पहन लेती हैं लेकिन जो है मंगलसूत्र भी पहनती हैं, लेकिन यह कि सिंदूर वगैरह जो लगाना अपने यहाँ क्या नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था जो है हमने एक पार्ट पढ़ लिया आज, क्या कि इसमें आइडेंटिफिकेशन का रेस, तो इंशाल्लाह लीजिए हम नेक्स्ट जब बात करेंगे तो उसमें हम देख पढ़ेंगे, जैसे अभी एज हमने उसको रेस पढ़ लिया, उसके बाद फिर उसका रिलीजन पढ़ लिया, अब इसके अलावा जब हम सेक्स बारे में पढ़ेंगे, एज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसके बारे से तफसील से सारी बात होती रहेगी और हम उसमें वहाँ मेंशन करते रहेंगे लोगों में कि ये पार्ट टू है, पार्ट थ्री है, उसके अंदर क्या क्या इसके अंडर हेडिंग में आती है, ताकि आपको नोट बनाने वगैरह में आसानी हो। तो ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।